मदरसन सुमी, ये है पहला स्टॉक। दिल्ली से राहुल का सवाल है मदरसन सुमी पर, 500 शेयर है इनके पास। प्रकाश जी, 317 बाइंग प्राइस इनकी रही है, नुकसान हो रहा है अभी? हाँ, नुकसान है बेटे, लेकिन नथिंग टू वरी, लोअर लेवल पे सपोर्ट है। कहाँ पर सपोर्ट है? करीब 230 के आसपास, घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। चेन्नई पेट्रो, जैसलमेर से सुशील का सवाल है, 298 में इन्होंने खरीदा है, 100 शेयर है चेन्नई पेट्रो के। यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि अपमूव है यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। सपोर्ट करीब करीब 250 के आसपास है, ये स्टॉक भी होल्ड कर सकते हैं। एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, 350 का। एक बार 350 क्रॉस हो जाएगा तो फिर एक फ्रेश अपमूव वहां पर शुरू होगा। इंडोस्टार कैपिटल, 50 शेयर, 572 बाइंग प्राइस। मुंबई से लखन का सवाल है, निकल जाना चाहिए, जब से लिस्ट हुआ लगातार हम गिरावट देखते आ रहे हैं, कब तक कंटिन्यू रहेगी गिरावट कहना मुश्किल है, लेकिन निकल जाना चाहिए स्टॉक, वीक स्टॉक। और नुकसान भी बहुत हो रहा है आपको, तो इस लॉस को बुक ही करना पड़ेगा। HPCL है अगला स्टॉक, अहमदाबाद से क्रुणाल का सवाल है। HPCL है इनके पास, 375 में खरीदा है क्रुणाल ने, 4530 शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से एक लेवल है 330 का, वहां पर जा सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। अब इतना स्ट्रेच हो गया है कि लगता है यहां से एक बाउंस मिलना चाहिए लोअर लेवल से। और यस बैंक, बोर्ड बैठक भी होने वाली है इसकी, और इस पर मेरठ से विकास पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए यस बैंक पर। 40 शेयर होल्ड करते हैं, 253 इनकी बाइंग रही है, लॉस कुछ 18 रुपए कुछ पैसे पर शेयर हो रहा है। 223-224 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से बाउंस मिल जाता है तो फिर 200 कॉस्ट के आसपास जा सकता है। अगर एक बार कॉस्ट के आसपास मिलता है तो एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी गिरावट हुई है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर थोड़ा कुछ खास होना चाहिए स्टॉक में। ICICI बैंक, रायपुर से सुमेर होल्ड करते हैं, 100 शेयर है इनके पास, 331 इनकी बाइंग प्राइस। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 280 भी जा सकता है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पर चाहे 280 और 260 के बीच में चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और नजर ही अपना बड़ा कर दीजिएगा, लंबा कर दीजिएगा, मुनाफा होगा। ठीक है, 280-260 वहां पर आप ऐड कर सकते हैं वहां जब नजर आए। अब बलरामपुर चीनी, सुमेश होल्ड करते हैं, शुगर स्पेस में हम काफी बस भी देख रहे हैं, 1000 शेयर हैं सुमेश के पास बलरामपुर चीनी के, 94.90 रुपए की खरीद रही है। एक दो दिन में शायद एक अपमू मिल सकता है वहां पर, उस अपमू का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए बलरामपुर चीनी से, क्योंकि जो अपमू मिला था पिछले दिनों हमने देखा वो एक FNO बैंड से बाहर निकला, वो शॉर्ट कवरिंग अपमू था, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही थी। CAPLIN पॉइंट, बंगलुरु से गौरव होल्ड करते हैं, 500 शेयर, 524.40 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 400 के आसपास, 375 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, अब मिलेगा तो 550 जा सकता है, वहां पर चाहे तो निकल सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, लखनऊ से हिमांशु पूछ रहे हैं, इनके पास करीब 5500 शेयर है, 121 रुपए पर खरीदा था इन्होंने, बहुत महंगा खरीदा, उसके बाद जो वीकनेस आई है मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट आ सकती है, पॉसिबल है कि कुछ 70 का जोन, 60 का भी जोन भी देख सकते हैं, है तो वीक और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है, अगर शॉर्ट टर्म का है तो निकल जाना चाहिए। रायपुर से दिनेश पूछ रहे हैं, AU बैंक में क्या करें, इन्होंने 250 शेयर खरीदे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 694 रुपए रही है। वेल, सपोर्ट तो है लोअर लेवल पे 580 के आसपास, मुझे लगता है वो होल्ड करना चाहिए, है स्ट्रक्चर थोड़ा बायस ऑन द अपसाइड है, लेकिन जो इस महीने जो बार बना है वीक बार बना हुआ है, क्या अपमूव मिलेगा 680 अगर चला जाता है तो वहां पर निकल सकते हैं। पटना से लोकेश के सवाल को शामिल करते हैं, एक्सिस बैंक है इनके पास, हाँ एक्सिस बैंक, 125 शेयर, 646.03 रुपए की खरीद रही है, इनके बाइंग प्राइस से नीचे है स्टॉक। नथिंग टू वरी, लोअर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर ऐड करने का मौका मिलता है, कुछ 560 के आसपास होल्ड करना चाहिए फिलहाल। ठीक है, 560 लोकेश जी, वहां पर ऐड कीजिएगा इसे। और आप ब्रिटानिया, ये है JS कालरा के पास, इन्होंने 20 शेयर लिए हैं 6635 रुपए पर, अब थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, 5000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, वहां चाहे तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहूंगा एक SIP मेथड अपनाएं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो स्टॉक बढ़िया है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आएंगे उसका एडवांटेज लेकर ऐड करना चाहिए। टॉरेंट पावर, औरंगाबाद से इरफान होल्ड करते हैं, 260 शेयर हैं, 200 में खरीदा था।
मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं तो मुनाफा बुक कर लेता, क्योंकि मुझे इसमें ट्रेंड क्लियर नजर नहीं आता, साइडवेज जोन है, मुनाफा मिलता है तो निकाल लीजिए। ठीक है, मामूली सा प्रॉफिट जरूर हो रहा है आपको।